आज दिनांक 22 फरवरी 2023 को 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल राजनगर के कमांडेंट श्री अरविंद वर्मा के निर्देशानुसार सीमा चौकी अरनामा के कार्यक्षेत्र में उत्क्रमित मध्य विद्यालय अरनामा के प्रांगण में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 21 दिवसीय मोबाइल फोन रिपेयरिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री नीतीश कुमार, निरीक्षक रमा फाउंडेशन के निदेशक श्री देवेश कुमार पांडे के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह प्रशिक्षण नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लिए 40 सीमावर्ती बेरोजगार युवाओं को चयनित किया गया, जो रमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट बघा द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण अवधि 21 दिन का होगा एवं इस प्रशिक्षण को सीमा चौकी अरनामा के कार्य क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान श्री नीतीश कुमार निरीक्षक, श्री योगेंद्र साह मुखिया अरनामा गांव, श्री राम नरेश यादव समाज सेवक अंधारबन और नवीन कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय अरनामा के प्रधानाध्यापक एवं अन्य उपस्थित रहे। सीखना जरूरी है, आपको यहाँ ट्रेनिंग दिया जाएगा तो आपका दायित्व बनता है जो सभी दिन आकर के ट्रेनिंग ले, जैसे आपका अनुभव हो जाएगा, सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप यहाँ नहीं है, आप बाहर में भी जा करके यदि सर्टिफिकेट रहेगा तो अच्छा कमा सकते हैं, जिसके लिए सरकार ऐसा प्रावधान किया गया है। और आपके घर में आकर के निशुल्क सेवा के रूप में हमारे रामा फाउंडेशन के तहत से और SSB के सहयोग से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आप सभी बच्चे से मैं विनम्र विनती करके आग्रह करूंगा कि आकर सही समय पर आकर के आप अपना अपना कर्तव्य सीखे और काम सीखे, जिससे आप यहाँ कमांडेंट अरनामा यहाँ उपस्थित हमारे रामा फाउंडेशन से आए हुए ट्रेनर जो हमारे बच्चे को बहुत कुछ देने के लिए आए हैं, हम बच्चे से ही आग्रह करेंगे, ये आपको मुफ्त में मिल रहा है, इसको ऐसा नहीं समझे कि मुझे फ्री में मिल रहा है, फ्री में आपको बहुत कुछ मिल रहा है। इस मन से आप उपस्थित होकर इस कार्यक्रम से लाभ उठावे, ताकि आपको अपने पिताजी से कुछ लेना नहीं पड़े, अपने आप स्वयं उसके हकदार हो जाएंगे, आपके पास हुनर हो जाएगा। ये जो तकनीक आप सीख जाएंगे, आजकल अभी मोबाइल और कंप्यूटर का युग आ गया है, इसलिए ये जो ट्रेनिंग आप लोगों को दिया गया जा रहा है, इससे आपको बहुत उपलब्धि मिलेगी। आप इंडिया नहीं विदेश में भी जाके आपके पास अगर हुनर है तो आप पैसे कमा सकते हैं। मैं अपने बच्चों से यही